नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सरकारी नौकरी यहाँ है पर। एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे आज, जानेंगे कहाँ से आ रही है, किस चीज़ की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ। बाकी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज़। जी हाँ, नंबर एक पर है आपके कोर्ट मैनेजर की, जनरल की एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो MBA या फिर एडवांस डिप्लोमा इन जनरल मैनेजमेंट, उसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा मस्ट हैव पास्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर नॉलेज DOEACCC एग्जामिनेशन। उसके बाद है मस्ट पोसेस एक्सीलेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल्स। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कोंकणी, जी हाँ ये भी आपके पास, ये सारी ही आपके पास होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 9 की ये पोस्ट हैं। उसके अलावा देखते हैं यहाँ स्टेनोग्राफर की अगर देखी जाए तो OBC की 2 पोस्ट हैं, ST की 1, EWS की 1, जनरल की 1। जी हाँ टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ आप हायर सेकेंडरी पास्ट हों किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में। उसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड पर मिनट यहाँ आपको चाहिएगा। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कोंकणी भी यहाँ आपको चाहिएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से आपको वेतन यहाँ दिया जाएगा। LDC की अगर बात करी जाए तो OBC की 21, ST की 10, PH कैटेगरी में 2, CFF की 2, SC की 1, EWS 6, जनरल की 20, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। टोटल 63 पोस्ट हैं। यहाँ आप हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास कर चुके हों, 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड हो और कोंकणी की आपको नॉलेज हो। पे मैट्रिक्स लेवल 2 की ये पोस्ट है। उसके अलावा ड्राइवर की अगर बात करी जाए तो ड्राइवर की यहाँ जनरल की 1, OBC की 1, टोटल 2 पोस्ट हैं। आप यहाँ सेकेंडरी स्कूल पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए और अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस हो आपको कम से कम 2 साल का और आपको कोंकणी की थोड़ी सी नॉलेज हो, लेवल 2 की यहाँ ये पोस्ट है। बेलिफ की पोस्ट हैं जनरल की 3, OBC 2, EWS 1, टोटल 6 पोस्ट हैं। हायर सेकेंडरी आप पास हो, नॉलेज हो कंप्यूटर की और कोंकणी का हो ज्ञान। पे मैट्रिक्स लेवल 2 की ये पोस्ट हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो प्रोसेस सर्वर की यहाँ पोस्ट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1, एक्स सर्विसमैन 1, जनरल कैटेगरी की 1, टोटल 3 पोस्ट हैं। सेकेंडरी स्कूल आप पास हो या उसके अलावा आपने ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कोंकणी यहाँ आपको आनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 1 की ये पोस्ट है। प्योन MTS की अगर बात करी जाए तो ST की 4, OBC 11, CFF 1, EWS 2, फिजिकली हैंडीकैप्ड 1, जनरल की 8, टोटल 27 पोस्ट हैं। यहाँ आप सेकेंडरी स्कूल पास हो या फिर ITI सर्टिफिकेट हो और कोंकणी की हो थोड़ी सी नॉलेज। पे मैट्रिक्स लेवल 1 की ये पोस्ट है। यहाँ लेफ्टमैन की जनरल की 1 पोस्ट है, सेकेंडरी स्कूल पास या ITI और कोंकणी की नॉलेज और नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग लिफ्ट, जी हाँ लेवल 1 की ही ये पोस्ट है। वॉचमैन की यहाँ टोटल 5 पोस्ट हैं, OBC 1, ST 1, जनरल 3। यहाँ आप वही 10th पास और या फिर ITI सर्टिफिकेट। पे मैट्रिक्स लेवल 1 की ये पोस्ट है। कोंकणी का भी ज्ञान आपको ज़रूरी है। अभी देखते हैं कि ये पोस्ट आई कहाँ से हैं। ये पोस्ट निकल के आ रही हैं आपके कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ गोवा मारगांव। जी हाँ यहाँ ये पोस्ट कॉन्टैक्ट बेसिस की हैं। अभी मैं यहाँ पर नीचे आपको बता देता हूँ कि अप्लाई वगैरह किस तरीके से करना है। यहाँ आपकी अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का, यहाँ 45 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC को 3 साल, फिजिकली डिसेबल्ड को 10 साल, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर को 5 साल, ST कैटेगरी को 5 साल, SC कैटेगरी को 5 साल। जी हाँ ये आपको रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ अप्लाई कैसे करना है। द कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, 15 ईयर्स रेजिडेंस इन गोवा, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट, ऑल इश्यूड बाई द कॉम्पोनेंट अथॉरिटीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ एंड वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ आप जो भी कैटेगरी से हैं, आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भिजवाने हैं 25/7/2022 से पहले पहले। कहाँ पे? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ गोवा मारगांव। जी हाँ ये आपको भिजवाने हैं 25/7/2022 से पहले। यहाँ कोई फीस नहीं है इसकी। और ये आप देखिए नीचे, द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। इंटरव्यू और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है उस सब का विवरण जो है वो इस वेबसाइट पर दे दिया जाएगा।
लगभग 16 अगस्त तक ये जो चीज़ है वो वहाँ शो होने लग जाएगी। तो यही जानकारी थी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है वो एप्लीकेशन का ये है, यहाँ आप इसको भरें और साथ ही साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अटेस्टेड करके ऊपर दिए हुए एड्रेस पर पहुँचाएं, ये एड्रेस दे रखा है इस पर पहुँचाना है। और बाकी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।